जय भीम दोस्तों, मैं बहुजन टीवी से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है दिवासी भाई, नाम मैं सॉरी भूल रहा हूं क्योंकि मैं इनके बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था किसी वक्त, आज शायद भूल गया हूं इनका नाम भी। तो भाई मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपको कांग्रेस क्यों ज्वाइन करना पड़ा? कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे एक नहीं अनेकों कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि निरंतर समाज में काम करने के बाद भी और हज़ारों लाखों लोगों के साथ जुड़ने के बाद भी जो पार्टी में जो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए थी हमारे को लेकर, और एक्सेप्टेबिलिटी केवल इस नाम की इसके लिए नहीं कि कोई पद की लालसा थी या कोई पद देना था, केवल एक्सेप्टेबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि ये हमारा है और हमारा साथी है, ठीक है। इसी को लेकर हमने निरंतर संघर्ष किया, लेकिन बार बार जब पार्टी ये कहती है कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये फर्जी है, उससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ में थी। इसके साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे मध्य प्रदेश को लेकर, और तीसरा कारण मध्य प्रदेश के राजनीतिक कारण भी थे। इन सभी कारणों को लेकर एकाएक मैंने निर्णय लिया काफ़ी सोच विचार के बाद कि इस समय मुझे एक पॉलिटिकल संगठन की, राजनीतिक संगठन की एक आवश्यकता है, और जिसको लेकर मैंने ये निश्चय किया कि मैं ये फैसला लूँ। और इस फैसले को लेने के पीछे पिछले दो महीने की पूरा एक इतिहास है, एक तरीके से बोलो उसके पीछे पूरे कारण हैं, तमाम कारण हैं, तमाम नेताओं से प्रयास के बाद कि तमाम नेताओं से प्रयास किया कि आप एक बार बहन जी से मिला दीजिए, या बहन जी से नहीं मिला सकते तो आप एक बार पार्टी ले आइए, बहन जी से पूछ के पार्टी में आप शामिल करा लीजिए, एक बार बस ये है कि पार्टी का आप हमें नाम दे दीजिए, बाकी सब चीज़ें खुली थी। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनको हमारी पार्टी में आवश्यकता ही नहीं है, और दूसरी तरफ हमें लगा कि अगर इंतज़ार भी करते हैं भविष्य में भी पार्टी के सारे दरवाजे हमारे लिए, मतलब मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक व्यक्ति? देखिए, राजनीति से बाबा साहब ने कहा था कि हम राजनीतिक अछूत नहीं हो सकते, ठीक है, और सत्ता की मास्टर की जो स्टडी है, ठीक है, वो बहुजन समाज से निकल के आती है। तो सामाजिक होना और राजनीतिक होना दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, मैं इसको एक रूप में देख सकता हूँ। अगर आपको सामाजिक काम, अब केवल सामाजिक ही काम करना है तो उसके लिए तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं राजनीतिक और सामाजिक दोनों काम करना चाहता था और उसी पे मैं आज भी चल रहा हूँ। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस सत्ता से हमारा समाज आज लड़ रहा है, आप उसी सत्ता से टिकट ला रहे हो, तो एक तरह से देखा जाए तो आप हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में? देखिए, समाज जिस सत्ता से लड़ रहा है ये वो सत्ता नहीं है, पहली बात तो ये। जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस की बात है तो हाँ, कांग्रेस की गलतियाँ रही हैं, और कांग्रेस का एक बड़ा क्रिटिक मैं भी रहा हूँ हमेशा से, आज भी हूँ उस मामले में, कि कांग्रेस ने 70 साल के इतिहास में जो उसकी नीतियाँ रही हैं वो सारी नीतियाँ हमारे फेवर में नहीं हैं। लेकिन इस समय जो सरकार, जो वर्तमान में जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वो कांग्रेस से भी ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इस समय है जिसको अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वो चाहती है कि वो अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए, खुद से पुनर्जीवित करने के लिए दूसरी विचारधारा है, उनको विचारधारा के रूप में एक प्लेटफॉर्म दे। और जहाँ तक मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस ने मुझे मेरी विचारधारा के स्तर पर ही मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। यानी आप वहाँ पे भी रह के अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं? जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं वहाँ पे भी जाकर अम्बेडकर वाद की बात कर सकता हूँ, और मैं निरंतर जिस दिन से कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ अभी तक भी मैं आज भी अम्बेडकर वाद की बात कर रहा हूँ। और सबसे आखिरी और मुद्दे का सवाल ये है सर कि आज सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं आपके बारे में जो बोल रहे हैं कि आप गद्दार हो, ये हो वगैरह हो, और दूसरी खबर ये कह रहे हैं कि मतलब आपके जो फॉलोअर थे वो आपके साथ इस वक्त हैं या वहीं पे रुक गए हैं? देखिए, पहली चीज़ तो कि मेरे को लोग बुरा भला कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं उनके लोगों से बहुत ज़्यादा टच में था, उनके हृदय से जुड़ा हुआ था, और मेरे एकाएक कांग्रेस में जाने से उनका दिल टूटा है, इसमें कोई दोहराया नहीं, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें बिल्कुल मुझे संकोच नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में। बट मैंने ये डिसीजन 1.5-2 साल के फ्यूचर को लेकर, मैंने बहुत गंभीरता से कि आगे का भविष्य क्या होगा उसको लेकर मैंने फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि निरंतर समय के गर्भ में वो फैसला है कि वो फैसला आगे सही होगा या गलत होगा। मेरा जो भी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल बस इतना है, मैं एक उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप देवाशीष से सवाल पूछिए, आप देवाशीष को क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप बुरा भला कहिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप उस सवाल में एक सवाल जोड़िए कि ऐसा क्यों होता है कि समाज का जो व्यक्ति तैयार होकर आता है, ठीक है, लाखों लोगों को तैयार करता है इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए तैयार करता है, उस विचारधारा में, उस पार्टी में आपके लिए जगह क्यों नहीं है? आप जगह बनाइए वहाँ पर,
आप सवाल एक लीडरशिप में भी उसमें जोड़ दीजिए सवाल कि दूसरा देवाशीष ना तैयार हो, दूसरा देवाशीष दूसरी पार्टियों में नहीं जा पाए, विचारधारा को छोड़ के उस विचारधारा की पार्टी को छोड़ के ना जा पाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग के पास क्या ऐसा कोई प्लान है ऑफ एक्शन है कि अगले 10 साल में आप लीडरशिप को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम उस दौर में गुजर रहे हैं जब हमारे समाज में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बहुत तेज़ी से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जो भी समझदार लोग हैं उस वैक्यूम को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, खासकर युवा, जो कि इस समय 65% हमारे समाज में युवा है, वो युवा फील कर सकता है कि इस समय एक बड़ा वैक्यूम है। इसीलिए आज हर कोई चाहता है कि बहुजनों की सरकार बने, उनकी लीडरशिप आए, लेकिन लीडरशिप है कहाँ, कहाँ है हमारी लीडरशिप? आज मुझे बताइए, देश में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 20-22 राज्यों में उसके दफ्तर हैं, उसका वो चुनाव लड़ती है। आप मुझे 20-22 नेताओं के तो नाम बता ही सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में मुझे एक नाम दीजिए, 2001-2002 के बाद आज तक भी कोई नेतृत्व वहाँ उभर के नहीं आ पाया, तमाम ऐसे राज्य वहाँ नेतृत्व उभर के नहीं आ पाया, तो ऐसा क्यों? इन कारणों की समीक्षा बहुजन समाज को बहुत गंभीरता से करनी होगी, क्योंकि ये केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि अस्तित्व का, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के अस्तित्व का प्रश्न है कि आगे 5-10 साल के बाद जब इस समाज के जो युवा हैं वो तैयार हो रहे हैं वो, और वो लीडरशिप लेने के लिए तैयार है, जब उनको लीडरशिप से डिनाई कर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी का, और इससे नुकसान सबसे ज़्यादा समाज का हो रहा है। और हाँ, आपने एक सवाल पूछा था कि मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो सारे उसी जगह पे हैं। मैंने देवाशीष जरारिया ने ये व्यक्तिगत डिसीजन लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने अपने किसी भी साथी को मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ ज्वाइन करिए, ये आपके ऊपर है। मैं आपके सामने प्रश्न और आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आप खुद इन सवालों को एनालाइज कीजिए और मेरे एग्जाम्पल से, मेरे खुद के व्यक्तिगत एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिकली लीजिए और उससे सीखिए और उस पर एक्सप्लोर कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि डेवलप रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेंपर डेवलप कीजिए आप। ये समाज के लिए संदेश देके गए, इसको संविधान में उन्होंने मेंशन कराया, तो मैं वही चीज़ आपके सामने भी छोड़ के जा रहा हूँ कि एक साइंटिफिक टेंपर डेवलप कीजिए, रैशनल थिंकिंग डेवलप कीजिए और ये सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि देवाशीष जरारिया जैसे युवा, तमाम ऐसे युवा जो उभर के आ रहे हैं नेतृत्व करने के लिए समाज में, इनका क्या होगा और इनको कैसे समाज आगे बढ़ा सकता है, इस पर गंभीर चिंतन समाज को करने की आवश्यकता है। बड़े भाई, क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं BSP में समझ रहे हैं क्या? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही रैशनल विचारधारा, एक बहुत अच्छे मेंशन उससे पार्टी की विचारधारा के तौर पर उभरी। ठीक है, एक मिशन मूवमेंट था कांग्रेस जैसी, जब उस समय जो फ्यूडल पार्टियां हुआ करती उनके विपरीत में ये पार्टी आइडियोलॉजी आई एक अच्छी विचारधारा के साथ में, और तमाम इससे समाज जुड़ा। ठीक है, इसका प्रचार प्रसार हुआ और इतना हुआ कि ये हम लोग सत्ता में भी आए इस पार्टी के माध्यम से। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फेज़ होता है, हर विचारधारा का एक फेज़ होता है, और उस विचारधारा पर, उस फेज़ पर हमें समय के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है और बदलाव लाने पड़ते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो बहुजन समाज पार्टी का फेज़ 1 लेवल 1 आज से, मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले पूरा हो चुका है। 2007 में हम सत्ता में आए, 2012 के बाद अपग्रेडेशन की आवश्यकता थी जब हम सत्ता में थे, उसके बाद वो अपग्रेडेशन नहीं हुआ। इसी के कारण ये है कि आज हम लोग सत्ता के सिर से दूर हैं। ठीक है, विचारधारा हमारे पास है, लेकिन हमें आज भी हमारे पास समय है। ठीक है, सोशल मीडिया हमारे पास है, आप देखिए सोशल मीडिया, बहुजन जब माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बहुजनों का खुद का कोई मीडिया नहीं है, और वो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि बहुजन समाज का खुद का एक मीडिया होना चाहिए। आप लोग देखिए, आप आए हैं मीडिया से, आप बहुजन समाज का मीडिया बना, मीडिया स्थापित कर रहे हैं, और आपके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया आपके लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी सोशल मीडिया की पावर से आप लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन समाज का मीडिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब 23 जुलाई को मेरे खिलाफ़ प्रेस नोट निकाला गया, तो उसमें कैटेगरिकली ये मेंशन किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, सोशल आईडी कहीं पर भी उसकी प्रेजेंस नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप एक ही झटके में करोड़ों लोगों को जोड़ सकते हैं, अपनी विचारधारा प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, वो क्यों मेंशन करने के, उसको छोड़ क्यों रहे हो? अगर आज मैं ये मानता हूँ, जितना मैंने माननीय काशीराम साहब को पढ़ा है, मैं ये मानता हूँ कि अगर माननीय काशीराम साहब आज जीवित होते और वो नेतृत्व कर रहे होते, तो आज बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, सबसे बड़ा हथियार होता। हमें ये किसी चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी समाचार पत्र पत्रिका की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सब सवाल है, ये आपके सामने है। मैंने इन सवालों को प्रैक्टिकली एनालाइज़ किया है, प्रयास किया है इसको हल करने का, और जब हल नहीं कर पाया तो मुझे मजबूरी में सोचना पड़ा कि अब एक समय है कि अपने आप को स्थापित करने का, ताकि समाज की आगे की लड़ाई है। 27 साल की मेरी उम्र है, शायद 50 साल मैं सामाजिक जीवन में भी और दे सकता हूँ, स्वस्थ रहा तो।
ठीक है, तो मेरे लिए आवश्यकता है कि मैं अपने आप को स्थापित करूँ और फिर मैं समाज के बीच में लौटूँ और मैं कहूँ समाज से कि देखिए ये एक मोटिव है, आप लोगों ने एनालाइज किया, आप एग्जाम्पल से मेरे अगर सीखे हैं तो सीखिए और जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को लेकर आइए, जो बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी भला करेगा ये। बस आखिरी सवाल बता दीजिए बड़े भाई कि मतलब बहुजन समाज पार्टी जब सरकार रही तो कैसी मतलब उनकी सरकार रही है, मतलब अदर और जो भी पार्टी है उनसे बहन जी की सरकार कैसी लगी आपको? बहन जी की सरकार बहुत मुनासिब सरकार थी। हम लोग तो एग्जांपल देते हैं कि बहन जी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक कई सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन उस सरकार के जाने के कारण क्या हुए और सरकार जब वो चली गई तो सरकार को हमारे पास लाने के कारण क्या हुए। 2012 में हम सत्ता से बाहर हुए, 2012 से सत्ता से बाहर हुए हमारे 6 वर्ष गुजर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 3 चुनाव लगातार बहुजन समाज पार्टी हारी। 6 वर्ष के चुनाव में जब से आप देखिएगा 2008, 2009, 2010 का ये समय था, ये दौर था वो जब सोशल मीडिया उफान पर आया, ठीक है, डेमोग्राफी देश की चेंज हुई, हम लोग जो छोटे छोटे 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, 8वीं में पढ़ते थे जो युवा, वो आज कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आए पढ़ के, जो जॉब्स में आए, ठीक है, तो वो समाज बदला बहुत तेज़ी से। ये आप देखेंगे पिछले 5-7 साल में इस देश का एटमोसफियर है, इस देश का कल्चर है और इस देश का जो पॉलिटिकल थाट है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी कितना परिवर्तित हुई ये आपको सोचने की आवश्यकता है। ये इसमें और इसी प्रश्न के गर्भ में बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है, तमाम समस्याओं का हल छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए 2019 में मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शुभकामनाएं हैं, ठीक है। हम लोग, मैं पहले भी महागठबंधन का पक्षधर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप तमाम मेरी मीडिया डिबेट्स देख लिया, मैंने महागठबंधन के पक्ष में बातें रखी हुई हैं, मैं आज भी महागठबंधन के पक्ष में हूँ क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि इस बार लड़ाई जो है वो मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद की है। आपको चुनना पड़ेगा कि मनुवाद एक तरफ मजबूत पक्ष है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। अगर अम्बेडकरवाद के जो सेनापति हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो अगर अपने आप को उन्हीं हथियारों से अपग्रेड नहीं करेंगे, लेस नहीं, जब आप किसी वॉर में जाते हो और समाज दूसरे व्यक्ति से आप लड़ाई लड़ते हो तो आपको भाई देखेगा कि उसके पास अगर ये मिसाइल है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब के साथ मिसाल रखोगे। अब देखो हमारा देश अग्नि 5 बना रहा है, अग्नि 6 डेवलप कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? कि दुनिया दूसरी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, जिनसे लड़ाई लड़ रहे हो अपग्रेड हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप देखिए तमाम ऐसी रियासतें आईं, बड़ी से बड़ी रियासतें भी एक समय पर अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई तो वो निस्तार नबूत हो गई, ख़त्म हो गई। तो आज वही खतरा हमारे सामने भी है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगी तो ये लड़ाई जो है, जो कि जो दुश्मन है सामने वाला बहुत अपग्रेडेड है, बहुत पावरफुल है, उसे लड़ने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं करोगे तो लड़ाई हार जाओगे। बिल्कुल सही कहा बड़े भाई ने, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसी के साथ JVM TV